सीमा तो आंखें नहीं था चोमू सा सचिन है चुतिया ऐसा दिखता है जो बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा देखने में अच्छी है। प्रेम तो प्रेम होता है ना। हाँ। नहीं है चार बच्चा को सचिन प्यार करेगा एक बच्चा अपना ने संभाल पाते हो सकता है हाँ एक सवाल है ठीक है अभी इंडिया से पाकिस्तान पाकिस्तान से इंडिया ठीक है श्रीलंका से इंडिया ये सब चल रहा है ऐसे अंजू है इंडिया से पाकिस्तान चली गई श्रीलंका से भी सुनने में है कि महिला आ गई है इंडिया ठीक है पाकिस्तान से सीमा आ गई इंडिया से अभी अभी सचिन ये जो है क्या बोलते हैं सनी पाजी जो है गदर मूवी में पाकिस्तान चले गए तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने का जो मामला चल रहा है इस पर क्या कहिएगा। नेबर्स अगर आपके कोऑपरेटिव होते हैं और हमारे देश में अगर आपके आसपास के जो कंट्री है उसके नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन होता है तो नेचुरली दोनों देश डेवलप करेगा क्योंकि दिन पर दिन हमारा जो डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है 2014 के बाद से जब मोदी सरकार आई है हमारे डिफेंस बजट में 2 गुना 3 गुना 4 गुना ही मतलब वो बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपके आप देश को तो छोड़िए अगर आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं अगर वहाँ आपके आसपास पड़ोसी भी आपको परेशान करें या अगर आपके पड़ोसी से भी आपका रिश्ता अच्छा ना हो तो आपका डेवलपमेंट होना मुश्किल है सुख चैन शांति होना मुश्किल है। तो इतना बड़ा फिनोमेना है देश नेशन का जो कॉन्सेप्ट है तो अगर आपके नेबर्स अगर आपसे मिलजुल के नहीं रहेंगे अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा ही अननेसेसरी हमारा ध्यान जाएगा चुनाव जब आएंगे तो अननेसेसरी हम पाकिस्तान करके वोट सरकारें पाकिस्तान बोल कर वोट इकट्ठा करना चाहेंगी मेन मुद्दों से भटकाना चाहेंगी। तो एक पीसफुल और कोऑपरेटिव जो नेबर है वो होना बहुत ज़रूरी है। एक बात अभी ये जो भैया बोले बहुत अच्छा पॉइंट को वो किए हैं क्लेरिफाई किए हैं बहुत अच्छा पॉइंट को एलेबोरेट किए हैं कि अगर दो नेबर मिलजुल के रहें है ना तो क्यों ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला उठेगा है कि ना। क्या है सचिन में बताइए सचिन में क्या है सचिन तो लिंपू सा सचिन है झिंगूर सा दिखे है ना कुछ करने को शरीर पूरा दुबला पतला क्या दिखा उसमें आ गई सीमा सीमा को क्या दिखा बताइए सीमा तो आंखें नहीं था जैसे पाकिस्तानी में आंख नहीं है ना दिमाग है ऐसे ना ही उसको बुद्धि है इसीलिए पसंद आ गई और क्या कर सकते हैं पाकिस्तान की लड़कियां ऐसी चार बच्चा को लेकर आ गई चार बच्चा उसका पति पत्नी उसका परिवार और सब भी होगा रिश्ते उसके बने होंगे बिगड़ गए होंगे तो यहाँ आ गई भारतीय नादान बालक को फंसा ली भारतीय नादान बालक को ना इतना जवान पतला दुबला सा दिख रहा है सचिन बताइए चार बच्चा को लेकर तो पबजी खेलने में यही सब बेरोजगार रहते हैं ना खाते पीते हैं बस खेलते रहते हैं लड़कियां फंसाते हैं आप भी खेलते हैं बाहर की ना ना हम नहीं खेलते हैं क्या करते हैं हम पढ़ते हैं संडिस में घूमते हैं संडिस में कभी कभी घूमने आते हैं अच्छा शरीर अच्छा क्या बोलते हैं हृष्टपुष्ट बना रहेगा वातावरण में सांस लेने के लिए आते हैं अच्छा गर्लफ्रेंड बनाए हैं ना 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 जी अभी पाकिस्तानी है बनाने की सोच रहे हैं क्या हाँ पाकिस्तानी है गर्लफ्रेंड बनाने की ना ना पाकिस्तानी माल होती बस कि सचिन में क्या है चोमू सा सचिन है उसमें है कि क्या वही पूछना काहे आ गई सीमा को क्या दिखा सचिन में पता नहीं आपका क्या ओपिनियन है हाँ। अब वो ऐसा हम लोग का भी नसीब रहता ना अब सचिन जैसा नसीब हम लोग का भी रहना चाहिए भाई हम लोग भी पबजी खेलते हैं हम लोग को मिलता ही नहीं खेलते हैं ना तब एक को नहीं मिला अभी तक नहीं दुख का बात है बहुत दुख है भाई जिंदगी में आप बताइए भाई वो तो सीमा ही जानती है क्या दिखा हम सबको तो कुछ नहीं दिखा अभी तक उसमें सचिन में लेकिन सीमा को दिख गया उसी से पूछना पड़ेगा ना एजम्पशन कीजिए सीमा क्या दिखा क्या दिखा होगा उसी से पूछना पड़ेगा हमसे को तो मालूम ही नहीं है भाई लेकिन यहाँ सीमा नहीं मिलेगी यहाँ आपसे जानना है यहाँ हमसे जानना है तो हम उसमें हमसे को तो क्या दिखेगा हमसे को कुछ नहीं दिखता भाई कुछ नहीं दिखा अभी तक तो कुछ नहीं दिखा भाई मतलब सचिन में कुछ है ही नहीं है कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं है वो कैसे आ गई पता नहीं है तो पता नहीं है लेकिन वो क्या दिखा वो तो उसी से पूछना पड़ेगा हम सबको कुछ दिखता तब तो बताते हाँ। एक तो छोटा है भाई काला कलूटा है अपना सब है भाई जो है अपना पतला दुबला है चोमू ऐसा दिखता है भाई चुतिया ऐसा दिखता है जो बोल सकते हैं लेकिन वही है क्या भाई हम सबको कुछ दिखा ही नहीं ना उसमें मैंने बात है कुछ नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं कि उसको हम सब गाली भी दे सकते हैं गाली देने लायक भी नहीं है भाई गाली देने लायक गाली इतना बेइज्जती हो गया भारी बेइज्जती नसीब बढ़िया था उसका पबजी खेलते खेलते सीमा हैदर को ऐसा क्या उसमें दिखाया वो जाना चाहते हैं वही तो क्या सीमा हैदर को ऐसा क्या दिखाई पड़ा
अब क्या दिखाई, सवाल है, आप भी सवाल पूछे, आपको जवाब दे। वो बात सही, पर हम भी कंफ्यूज, ऐसा क्या दिखाई पड़ा जो वो पाकिस्तान से इंडिया आ गया, वही चौथे पास है, चौथे पास है, फिर भी ऊपर सीमा है, पासपोर्ट पर सीमा है, पर देखने में अच्छी है। हाँ सचिन, अब सीमा हैदर ही बता सकती है उसमें क्या है नहीं है, क्या है कि नहीं, पर वो जो सीमा हैदर थोड़ा अच्छी है, सीमा हैदर तो अच्छी है। चीन में क्या दिखा जो आ गई से, ये सवाल। देखिए प्रेम तो प्रेम होता है ना, मान लीजिए प्रेम कहीं भी बस सकता है, यहाँ हो वहाँ हो जहाँ भी, मान लीजिए इंडियन उसमें नहीं देखा जाता, पाकिस्तानी है इंडियन है या जो भी है, तो प्रेम के कारण वो यहाँ आ गई है। अब अंदरूनी क्या है सो वो हम नहीं बता, मैं नहीं बता सकती अंदरूनी अब क्या है, मान लीजिए ये मैं नहीं बता सकती। पबजी पे प्यार हो गया, गेम खेलते खेलते प्यार हो गया है ना। हाँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये प्यार नहीं है। हाँ। उसका ये है चाल है, चाल है। ये पाकिस्तान का चाल है, समझे है ना। चार बच्चा को सचिन प्यार करेगा, एक बच्चा अपना ने संभाल पाते हैं, हो सकता है वो जासूस भी हो गया, इस वजह से वो जासूस है बाबू, जासूस है कि वो दिखावा करके और इस अति में आया है आतंकवाद फैलाने के लिए भी। भी हो सकता है, इसलिए इसमें इग्नोर कुछ भी नहीं किया जा सकता, इग्नोर करके कुछ भी नहीं चला जा सकता। हो सकता है कि वो हमारे देश में एक मतलब ट्रेचरस करने का मतलब धोखेबाजी के नाम पर आया है, समझे ना, हम बोल दिए इसी का हाथ है, उसी का हाथ है। कौन किस भेस में आता है ये तो बाद में पता चलता है ना। और एक्चुअली में इंडिया वाले को उसको प्रेशर नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, काहे कि हम लोग इतना तबाह खुद हैं उन लोगों से, तो और क्यों उसको हम दे, मौका दें तबाह करने, शरण दे देने। कुछ लोग से अभी पूछे, बहुत सारे यूथ लोग बोला क्या कि जैसे दो दो देशों में सिर्फ लड़ाई होती है, ठीक है, इसी बहाने से दो देश किसी भी बहाने से एक हो रहा है, तो इसमें क्या गलती है, पाकिस्तान एक होगा कभी नहीं, उसमें कभी विश्वास करोगे, कभी विश्वास नहीं करो, कर ही नहीं सकता बाबू। इंडिया आज सुनो ना, अंजू गई ना, अब रो रही है, आने के लिए रो रही है, अंजू रो रही है, रो रही है। हो गया खत्म अंजू का, तो ये उसको लगा मतलब देश के लिए जो है ये खतरनाक हो सकता है, हो सकता है आईएसआई का मतलब हाथ हो, हो सकता है आतंकवाद का हाथ हो, क्योंकि उसका जो रिश्ता है, रिश्ता जो आईएसआई से भी मिला है, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा रिश्ता क्यों होगा। जब तक मान लीजिए यदि हम इंडियन से लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो उधर के पुलिस डिपार्टमेंट से हमको क्या रिश्ता होगा, तो उसके अति में हम चैटिंग करेंगे, भाई कुछ करेंगे क्या। तो हमारा जो एक लव के अति में है उसको हम ना इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि आतंकवाद फैलाने के ख्याल से यहाँ पर वो आ सकते आई है। परमानेंट आप लोग का यही राय है कि वो आईएसआई से जुड़ी हुई। हाँ, एकदम हम तो शुरू ही बोल दिए, हम जैसे आए तभी हम बोल रहे हैं, तीनों सम्मिलित रूप से एक चले। और ये धोखेबाजी कर रही है, लोग को एक कहने का मतलब दिखावा कर रही है कि हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। सचिन ऐसा लड़का से तुम प्यार करोगी, गजब बेइज्जती है। वही तो तुम प्यार करोगी सचिन जैसे लड़के से, तुम जो कि उतना बढ़िया डांसिंग में देखे उसका मतलब कितना बढ़िया करती है डांस, कितना बढ़िया डांस करती है, तो तुम कहीं ना कहीं सचिन को फंसा करके तुम यहाँ पर गलत नीति से आई हो, गलत नीति से आई हो। इंडिया घुसी कैसे, वही तो सोचिए, इंडिया घुसी कैसे, नेपाल दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल से बाय रोड, ये सब पुलिस की काम, ये प्यार थोड़ी है, ये तो प्लानिंग करके इंडिया घुसना है, तब ये प्यार थोड़ी है। प्यार अंजू का था लेकिन बेचारी आ रही है, अब अंजू भी आ रही है, अंजू गलत है, गलत मान रही है ना, गलत मान रही है। अपने हस्बैंड को बोल करके नहीं जाओगी, बच्चे को बोल करके नहीं जाओगी, गलत है। गेमिंग में प्यार होगा, गेम खेलते खेलते प्यार होगा। हाँ गेम खेलते खेलते आजकल का प्रेम क्या है तो भगवान जाने कितना दिन प्रेम टिकता है, वो तो जो प्रेम करता है वही समझ रहा है ना प्रेम का क्या है। अंततः आ ही सकता है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो कुछ दिन में अपने आप चला आएगा।